कंपास ट्रेवर्सिंग या फिर कंपास सर्वेइंग के बारे में अब हम स्टडी करेंगे, कुछ इससे रिलेटेड डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले तो कंपास ट्रेवर्सिंग यानी कि ट्रेवर्सिंग क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कुछ नंबर ऑफ कनेक्टेड लाइंस होंगी, ठीक है, उसको ट्रेवर्स बोल देंगे। एंड टू एंड वो ज्वाइंट होंगी और उनकी लेंथ को हम मेजर करेंगे चेन या टेप से, और उसका एंगल मेजर करेंगे हम कंपास से। इसके बारे में डिटेल में हम ट्रेवर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले हम कंपास सर्वेइंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको कंपास ट्रेवर्सिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें एंगल जो है वो कंपास से मेजर करनी है, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद है डेफिनेशंस। डेफिनेशन में सबसे पहले आता है ट्रू मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन यानी कि दोनों एक ही चीज़ है, ट्रू मेरिडियन और जोग्राफिक मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन क्या चीज़ है? लाइन और प्लेन पासिंग थ्रू जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल साउथ पोल एंड पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। मतलब ये तीन चीज़ों से जब एक लाइन या प्लेन पास होगा तो उसे बोलेंगे ट्रू मेरिडियन। कौन सी तीन चीज़ें हैं? जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये जोग्राफिकल साउथ पोल यानी कि ये, और एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस पे कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा वो इन तीनों चीज़ों से ऐसे पास होगा। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, वो यहाँ से पास जब करेगा नॉर्थ और साउथ, और इस पॉइंट से जो पास करेगी लाइन, उसे बोल देंगे ट्रू मेरिडियन या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। एक स्टेशन पे ट्रू मेरिडियन कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सर्फेस आर नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल बट कन्वर्जेस टूवर्ड्स द पोल। ये देखो, जैसे ये एक है ट्रू मेरिडियन है, ठीक है, ये एक है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये कन्वर्ज कर रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बट ये पैरेलल नहीं है। यहाँ पे आप बैठे हुए हो, वहाँ और उसके एकदम साइड पे, किसी भी थोड़े से साइड पे एक पॉइंट में भी एक डिफरेंट ट्रू मेरिडियन होगा। उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड, दोनों साइड पे एक ट्रू मेरिडियन होगा। इसमें यहाँ पे ये बीच में जो गैप है, यहाँ पे भी ट्रू मेरिडियन है, इसके बीच में भी है, शो बहुत कम किए हुए हैं, और इसके बीच में साइड्स में भी होंगे, ठीक है। उन सारे ट्रू मेरिडियंस जितने भी हैं वो सारे के सारे पैरेलल नहीं होते, बट स्मॉल एरिया के लिए उसको पैरेलल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बट फॉर स्मॉल सर्वेस थ्रू बट फॉर सर्वेस थ्रू स्मॉल एरिया इट इज कंसिडर्ड पैरेलल, ठीक है। और एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड अ लाइन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग। एक लाइन और ट्रू मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे ट्रू बियरिंग। ये देखो, जैसे ये एक ट्रू बियरिंग है सपोज, ठीक है, यहाँ से एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, इसके और ट्रू बियरिंग के बीच में जो एंगल, ये एंगल जो होगा इसको बोल देंगे ट्रू बियरिंग, ठीक है, एजीमूथ भी बोलते हैं इसको। इसके बाद है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड फ्रीली एंड बैलेंस्ड प्रॉपरली अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस इट इंडिकेट्स अ डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये देखो, एक मैग्नेटिक निडल होती है इस तरीके से, आप देख सकते हो लैब्स वगैरह में, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होती है। इसको फ्रीली रखा जाता है, फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, और फिर क्या होता है कि ये लाइन जो है अपने आप से एक डायरेक्शन में आ जाती है। जिस डायरेक्शन में ये शो करेगी, ये आ जाएगी, उस डायरेक्शन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जब एक मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली रख दिया जाएगा, वो अपने आप जो बैलेंस करके डायरेक्शन वो मतलब उसकी आ जाएगी, जो डायरेक्शन वो शो करेगी वो होगी मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये डायरेक्शन अपने आप शो क्यों कर रही है ये लाइन, ये मैग्नेटिक नीडल, उसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ किसकी वजह से? ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरीके से अपने आप को अलाइन कर लेती है, ठीक है। इसके बारे में भी हम थोड़ा आगे स्टडी करेंगे, बट अभी अभी के लिए आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक निडल जो डायरेक्शन शो करेगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक मेरिडियन, और उस वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल एक लाइन, एक भी पर्टिकुलर लाइन जो भी होगी वो बनाएगी एंगल, उसे कह देंगे मैग्नेटिक बियरिंग। ये ट्रू बियरिंग के साथ ये लाइन बना रही है, मैग्नेटिक बियरिंग सपोज इस तरीके से,
मैं बना ही देती हूँ मैग्नेटिक बेयरिंग। ये देखो, ये इस तरीके से, सपोज ये मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। अब ये देखो ट्रू बियरिंग के साथ क्या एंगल बना रही है, और मैग्नेटिक बियरिंग के साथ जो एंगल बना रही है वो मैग्नेटिक बियरिंग हो गया, ठीक है। इस तरीके से होगा डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, कौन सा एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल। ये देखो ये डायग्राम में, यहाँ पे जब हम ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहे थे, इनके बीच में कुछ एंगल रह रहा था, है ना, कुछ एंगल इनके बीच में था, तो वो एंगल जो होगा उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। इतना समझ आ गया, हॉरिजॉन्टल एंगल जो होगा। और अब ये एंगल जो होगा ये ईस्ट की तरफ हो सकता है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो ईस्ट की तरफ भी हो सकता है ट्रू मेरिडियन के, और वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। तो जब ईस्ट की तरफ होगा तब हम बोल देंगे डेक्लिनेशन ईस्ट, और जब वेस्ट की तरफ होगा तो बोलेंगे डेक्लिनेशन वेस्ट, ठीक है। और इवन हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इससे रिलेटेड, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन होता है ना। और इसमें डेक्लिनेशन का साइन प्लस कब लेना है, जब ईस्ट की तरफ होगा तो प्लस, और वेस्ट की तरफ माइनस, ठीक है। ईस्ट की तरफ जब होगा तो वो लिखा होगा पर्टिकुलरली डेक्लिनेशन, सपोज 3 degree ईस्ट है या 4 degree वेस्ट है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा हमेशा क्वेश्चन में। तो हम जब भी ईस्ट होगा पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और वेस्ट होगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद है आर्बिट्ररी मेरिडियन। कभी कभी क्या होगा, सर्वे के लिए एक छोटे से एरिया पे जब सर्वे करना होगा, किसी भी कन्वीनियंट डायरेक्शन को एज्यूम किया जाएगा एज अ मेरिडियन, जिसको कह दिया जाएगा आर्बिट्ररी मेरिडियन, ठीक है। और इस डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी लाइन, ठीक है, उसको बोल देंगे आर्बिट्ररी बियरिंग। डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग्स, कॉमन सिस्टम ऑफ नोटेशन ऑफ बियरिंग्स आर होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग, दो टाइप के होते हैं। होल सर्कल बियरिंग कौन सी होती है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द लाइन। ये एक लाइन है, ये, ठीक है, ये एक लाइन है, ठीक है, इससे हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो जो एंगल ये लाइन बनाएगी नॉर्थ डायरेक्शन के साथ उसे बोल देंगे होल सर्कल बियरिंग। इस लाइन के लिए होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगा, थीटा। अब इस लाइन की अगर हम बात करें, ये वाली जो लाइन है इस डायग्राम में, तो यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगी, होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ लाइन से हमें लेनी है, यहाँ से टोटल यहाँ तक जो होल सर्कल जो एंगल आएगा वो हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग। मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं 270 माइनस थीटा हो जाएगी होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। और अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे होल सर्कल बियरिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगी टोटल, मतलब नॉर्थ पोल से यहाँ तक, है ना, इतनी हो जाएगी, मतलब कि 360 माइनस थीटा होल सर्कल बियरिंग हो गई यहाँ पे, है ना। इस तरीके से होल सर्कल बियरिंग निकालनी है, क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल से लाइन की तरफ जाना है, उसे कह देंगे होल सर्कल बियरिंग। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, और ये कहाँ किससे ली जाती है, ये प्रिज्मेटिक कंपास से ली जाती है, ठीक है। और क्वाड्रेंटल बियरिंग की बात करते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल और साउथ पोल टुवर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, उसे बोलेंगे मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन। 4 quadrants में ये होती है, ठीक है, इसके टोटल 4 quadrants होती है क्वाड्रेंटल बियरिंग्स के, ठीक है। ये देखो मैं अभी समझाती हूँ डायग्राम से, क्वाड्रेंटल बियरिंग कौन सी होती है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ना, इतना तो पता ही होगा। अब ये जो है इस लाइन की क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल से वेस्ट या ईस्ट की तरफ, जिधर भी ये लाइन होगी, ये इस टाइम पे ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट की तरफ मूव करना हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर नॉर्थ से है तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगी, अगर यहाँ पे साउथ के हिसाब से ये लाइन होती, सपोज ये लाइन यहाँ होने के बजाय यहाँ होती, तो क्या करते, यहाँ से मूव करते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाना था। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना हमने इस लाइन की तरफ, मतलब इस लाइन की तरफ, नॉर्थ या साउथ जो पोल होगा इसके पास में, उससे हमें मूव करना है
इस लाइन की तरफ उसे बोल देंगे हम क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है, उसे बोल देंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग। इस टाइम पे इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या है, नॉर्थ थीटा ईस्ट, ठीक है ना। अगर ये यहाँ नीचे जैसे मैंने पहले बोला यहाँ पे होता तो ये हो जानी थी साउथ थीटा, ये एंगल सपोज थीटा है तो ये हो जानी थी थीटा ईस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से हमें पता चलेंगे ये इससे पता चलेगा हमें कि ये कौन सी वो है, एंगल क्या है इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग कौन सी है, ठीक है। अब अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग कौन सी होगी, ये नॉर्थ, यहाँ से हमें वेस्ट की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि ये लाइन कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट लाइन, वेस्ट की डायरेक्शन में है। तो अब नॉर्थ के हिसाब से देखें तो ये नॉर्थ से पास में नहीं है, ये साउथ के पास में है तो हम साउथ से देखेंगे। तो ये हो जाएगी, ये थीटा है मतलब ये पोर्शन हो जाएगा साउथ के हिसाब से, देखना है ना कि यहाँ पे क्या एंगल है साउथ के साथ, ये क्या एंगल बना रही है लाइन, तो मतलब ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा एंगल यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे होगा वेस्ट, है ना, ये हो जाएगा साउथ 90 माइनस थीटा वेस्ट इस तरीके से, और ये जो है ये हो जाएगा नॉर्थ थीटा वेस्ट, ठीक है ना। ये एंगल, क्योंकि ये एंगल यही वाला चाहिए, नॉर्थ से ये एंगल जो बना रहा है वही चाहिए, या फिर ये साउथ से जो एंगल बना रहा है ये एंगल नहीं चाहिए, ये यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन के साथ एंगल नहीं बना रहा है, ये नॉर्थ के साथ भी नहीं बना रहा, साउथ के साथ भी नहीं बना रहा, इसलिए हमें ये वाला एंगल चाहिए। समझ आ गई बात। रेड्यूस बियरिंग क्या चीज़ होती है, रेड्यूस बियरिंग होती है होल सर्कल बियरिंग ऑफ अ लाइन व्हेन कन्वर्टेड टू क्वाड्रेंटल बियरिंग, मतलब हम होल सर्कल बियरिंग को जब क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम रेड्यूस बियरिंग बोल देंगे, ठीक है। ये इसके फॉर्मूला है कन्वर्ट करने की, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसके बाद है फोर एंड बैक बियरिंग। फोर बियरिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बियरिंग, और बैक बियरिंग क्या है, बैकवर्ड बियरिंग। बियरिंग बियरिंग वर्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बियरिंग मतलब सिंपली एंगल, जो नॉर्थ डायरेक्शन से वो एंगल शो कर रहा है वो हो गए बियरिंग, ठीक है, जो लाइन शो करेगी। अब फोर बियरिंग क्या है, बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी मेजर्ड फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए जो है, ए बी ये सपोज एक लाइन है, इसको हमने जब मेजर करना है ए से बी की तरफ, इसकी हम नॉर्थ के साथ एंगल चेक करेंगे, जो बियरिंग इसकी चेक करेंगे वो हो जाएगी फॉरवर्ड बियरिंग, और जब बी से ए की तरफ एंगल देखेंगे नॉर्थ के साथ इसका जो होगा एंगल या फिर बियरिंग होगी उसको बोल देंगे हम बैकवर्ड बियरिंग, ठीक है। और ये सारा, इसके लिए एक फॉर्मूला है, बैकवर्ड बियरिंग इज इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब ये फॉर्मूला जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये होल सर्कल बियरिंग में फॉर्मूला है, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में नहीं है। इस फॉर्मूला में यहाँ पे एफ बी जो है, फोर बियरिंग जो है वो अगर 180 से ग्रेटर होगा तो फोर बियरिंग क्या होगी, मतलब 180 से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस साइन लगाना है। ये अगर सपोज यहाँ पे ये 30 डिग्री है फोर बियरिंग सपोज, ठीक है, 30 डिग्री है तो हम 30 में से माइनस थोड़ी करेंगे 180 डिग्री, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे जब ये 180 डिग्री से कम होगा, और अगर ये 180 डिग्री से ग्रेटर होगा तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है फोर बियरिंग लेस देन 180 डिग्री प्लस साइन, फोर बियरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस साइन। अब ये होल सर्कल बियरिंग के लिए फॉर्मूला है, मतलब हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग में क्या करना है, सपोज ये एक लाइन है ए बी, ये ए बी एक लाइन है, ये यहाँ पे इसका एक एंगल नॉर्थ के साथ ये बना रही है, ये सिर्फ इतना ही लाइन देखनी है, ठीक है, इतनी लाइन को देखो, ये वाली लाइन को मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, ये ए बी एक लाइन है, ठीक है, ये 30 डिग्री बना रही है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और यहाँ पे ईस्ट है ना, तो ये आ जाएगी 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट इस तरीके से बोलेंगे क्वाड्रेंटल बियरिंग में। तो ये ऐसे बना रही है, तो अब हमें इसमें 180 डिग्री ऐड करना है, 180 डिग्री ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे ये आ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा साउथ 30 डिग्री वेस्ट, मतलब ये क्वाड्रेंट 30 डिग्री एंगल सेम रहेगा, बस ये क्वाड्रेंट जो होंगे वो चेंज हो जाएगा और ये एकदम इसके ऑपोजिट वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। बस इस तरीके से हमें इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग पता चल जाएगी फोर बियरिंग में, फोर बियरिंग पता चल जाएगी क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है।
इसके बाद है आइसोगोनिक या फिर एगोनिक लाइन. लाइन पासिंग थ्रू इक्वल पॉइंट ऑफ इक्वल डेक्लिनेशन इज कॉल्ड आइसोगोनिक लाइन, और लाइन पासिंग थ्रू जीरो डेक्लिनेशन इज कॉल्ड एगोनिक लाइन. डेक्लिनेशन क्या, डेक्लिनेशन के बारे में मैंने बात की थी. मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, जो लाइन इक्वल डेक्लिनेशन से पास करेंगी जो लाइंस, उनको बोल देंगे आइसोगोनिक लाइंस. ठीक है, और जो लाइंस जीरो डेक्लिनेशन से पास करेंगी उन सारी लाइंस को बोलेंगे एगोनिक लाइंस. इसके सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने इसका पूरा अर्थ के इंडिया का जो है वो पूरा मैप बनाया हो आइसोगोनिक और एगोनिक लाइंस के लिए, ताकि हम सर्वे कर सकें किसी भी पर्टिकुलर एरिया में. अब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड डिप. अब डिप क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको पहले भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोला था, अगर आपको याद है तो. ये यहाँ पे मैंने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन के लिए बोला था ना मैंने, कि ये मैग्नेटिक निडल क्यों, मतलब अपनी एक पोजीशन पे जो आती है वो किस हिसाब से आती है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आती है. ठीक है, अब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और डिप के बारे में हम पढ़ेंगे. अर्थ एक्ट एज अ पावरफुल मैग्नेट एंड लाइक एनी मैग्नेट फॉर्म्स अ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स which exerts a directive influence on a magnetized bar of steel or iron. ये देखो, ये थोड़ा सा tilted होता है, मैंने diagram को बिल्कुल straight बनाया हुआ है. ठीक है, इसमें क्या है, ये earth है और ये कौन सी lines है, magnetic field lines. ये lines show कर रही हैं और ये इस तरीके से कुछ lines होती हैं जो north और south pole से निकलती है. ये यहाँ पे नॉर्थ आपको लग रहा होगा कि नीचे और साउथ ऊपर है, ये बार मैग्नेट की है एक्चुअली में. डायरेक्शन वो इस तरीके से अलाइन होगा, साउथ जो अर्थ का साउथ होगा वो नॉर्थ के साथ होगा, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे जो नॉर्थ होगा ये साउथ के साथ होगा. ठीक है, इस तरीके से ये अपने आप को अलाइन कर लेगा. अब ये जो है, ये जो इसमें से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो इक्वेटर पे आप देखो एकदम ऐसे पैरेलल हो गया और यहाँ पे इस तरीके से निकल रही है, इस तरीके से ये पूरी की पूरी, और ये पूरा एक क्लोज्ड लूप की तरह होगी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड रन जनरली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. डायरेक्शन यहाँ से आपको दिखी होगी, साउथ से ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ पोल से ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है. ये बार मैग्नेट के डायरेक्शन को नहीं देखना है, साउथ पोल से ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है. ठीक है, ये समझ आ गया. और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स डिफाइंस द मैग्नेटिक मेरिडियन. जो लाइन, जो ये लाइंस है इनकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस जो होंगी वही हमें शो करती है मैग्नेटिक मेरिडियन. ठीक है, द एंगल विच दिस लाइन्स ऑफ फोर्स मेक विद द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप और सिंपली डिप. ठीक है, जो ये लाइन जो होंगी अर्थ सर्फेस के साथ, अर्थ सर्फेस के साथ जो एंगल बनाएंगी उसे डिप या फिर मतलब कि एंगल ऑफ डिप या फिर सिंपली डिप बोल सकते हैं. ठीक है, अब इन लाइन्स के लिए मैंने कहा था इक्वेटर पे ध्यान से देखना है, ये इक्वेटर पे पैरेलल है. The line of force is parallel to the earth's surface only at equator. सिर्फ equator पे ये parallel है, और dip of needle is zero at equator. Equator पे zero हो जाएगा और जो needle होगी वो horizontal हो जाएगी equator पे. ठीक है, equator पे needle horizontal हो जाएगी. क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जो ये magnetic lines है ये parallel है. ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे निडल जो होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और यहाँ पे जीरो होता है डिप, इक्वेटर पे डिप जीरो होता है. लोकल अट्रैक्शन, मैग्नेटिक निडल इंडिकेट करती है नॉर्थ डायरेक्शन जब उसको फ्रीली उसको रखा जाता है, इट इज व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली और पिवोटेड. बट इफ द नीडल कम्स नियर सम मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आ जाती है, जैसे कि आयरन और स्टील स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रिक केबल, इन सब चीज़ों के आसपास अगर वो जो निडल है वो आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ट्रू डायरेक्शन नहीं दिखाएगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी
और जिसे हम कह देंगे ये लोकल अट्रैक्शन की वजह से होती है, ये इन्फ्लुएंस जो होती है मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से, इसे कह देंगे लोकल अट्रैक्शन है यहाँ पे। और लोकल अट्रैक्शन का पता कब कैसे चलता है, पता चलता है जब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग जो है उनके बीच में एग्जैक्टली 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं होता, तो इसका मतलब लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है।